हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से लेके आ गया हूँ एक कमाल का वीडियो। इस वीडियो में मैं एक्सिस बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड कैसे अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन, इसके बारे में बताने वाला हूँ। क्योंकि फ्लिपकार्ट का सबसे बिग बिलियन डे सेल आने वाला है और उसमें इस बार ऑफर एक्सिस बैंक के साथ टाई अप करके लाया है, यानी कि आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा सेल के टाइम में। तो आप लोगों के पास यदि डेबिट कार्ड आता है या क्रेडिट कार्ड आता है तो आप लोगों को 10% का डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग कैसे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आप देख रहे हैं देख रिव्यू चैनल। तो चलो 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 चालू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि एक्सिस बैंक का आप लोग ऑनलाइन बैंक अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा, उस पर आदि आप लोग क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आप लोग क्या करना है, आप लोगों को नाम, फोन नंबर और ईमेल आईडी लिखना है, उसका सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इस टाइप का पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग सारा ऑनलाइन बैंक के बारे में डिटेल्स वगैरह दिया गया। आप लोगों को नीचे जाना है, नीचे में आप लोग दिया गया गेट वर्चुअल डेबिट कार्ड लिखा गया है, उस पर आप लोग को व्यू ऑफर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग इस टाइप का पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, ओपन नाउ पे क्लिक करना है। ओपन नाउ पे आदि आप लोग क्लिक करते हैं तो उस पर आप लोग इस टाइप का पेज में आ जाएगा। वहाँ पे आप लोग को पैन कार्ड, आधार कार्ड और आप लोग को फोन नंबर डालना है। फोन नंबर डालने के बाद जो भी अदर डिटेल्स वगैरह रहेगा वो सबको फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आप लोग को आधार ओटीपी वेरीफाई कर लेना है। आधार ओटीपी जैसे ही वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद आप लोग को पर्सनल डिटेल्स वगैरह डालना पड़ेगा। पर्सनल डिटेल्स जैसे ही डाल देते हैं उसके बाद आप लोग वीडियो केवाईसी कंप्लीट करना पड़ेगा। जैसे ही आप लोग वीडियो केवाईसी कंप्लीट कर देते हैं उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को 590 रुपीज पेमेंट करके आप लोगों को डेबिट कार्ड लेना है। ये आप लोगों को चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा, आप लोगों को डेबिट कार्ड आदि चाहिए तो डेफिनेटली आप लोग ऑफर के लिए डेबिट कार्ड चाहिए तो आप लोगों को 590 रुपीज पेमेंट करना पड़ेगा। और आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को ये वाला जो बैंक अकाउंट है इसको ओपन करने के लिए आप लोग को इनिशियल डिपॉजिट 16,000 रुपीज का करना पड़ेगा और आप लोग को एवरेज मंथली बैलेंस 10,000 का मेंटेन करना पड़ेगा। तो इसमें आप लोग जीरो बैलेंस अकाउंट नहीं है, इसमें आप लोग 10,000 रुपीज मेंटेन करना पड़ेगा और आप लोग को डेबिट कार्ड का 590 रुपीज चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन आप लोग अभी सेल के टाइम में परचेस करना चाहते हैं, मिनिमम आप लोगों को 10% के हिसाब से 1,500 रुपए का तो आप लोग को इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ही। यदि आप लोग कुछ शॉपिंग करते हैं सेल के टाइम में तो आप लोग को ये वाला जो 590 रुपीज लग रहा है वो रिकवर हो जाएगा, क्योंकि आप लोग को ये वाला सेल जो आ रहा है वो आ रहा है एक्सिस बैंक के साथ। तो आप लोग 10% के हिसाब से 1,500 रुपए का तो आप लोग इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा ही। तो आप लोगों को ये जो 590 रुपए लग रहा है वो रिकवर हो जाएगा। और फ्लिपकार्ट प्लस मेंबरशिप वाले लोग के लिए बहुत समय क्या होता है, एक दिन एक्स्ट्रा सेल दिया जाता है उस समय में कार्ड यूज कर सकते हैं और आप लोग जब रेगुलर ऑफर चालू होगा उस समय में भी फिर कार्ड यूज कर सकते हैं। तो आप लोग को 1,500 + 1,500 3,000 का भी बेनिफिट हो सकता है। तो सेल के टाइम में आदि आप लोग फ्लिपकार्ट से कुछ बड़ा आइटम ऑर्डर करने का सोच रहे हैं, जैसे आप लोग टीवी या आप लोग फ्रिज या आप लोग स्मार्टफोन, तो आप लोग डेफिनेटली इसको ऑर्डर कर सकते हैं। 590 रुपया डेफिनेटली लगेगा लेकिन आप लोग को 1,500 रुपये का मिनिमम बेनिफिट तो होगा ही, तो आप लोग उससे ज्यादा भी बेनिफिट कर सकते हैं। लेकिन आप लोगों को मिनिमम आदि आप लोग एक बार शॉपिंग करते हैं तो आप लोग 10% के हिसाब से 1,500 रुपये का तो आप लोग बेनिफिट हो ही जाएगा। और अब हम लोग बात करने वाले हैं कि आप लोग लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड कैसे ले सकते हैं। इसके लिए भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उस पर आप लोग क्लिक कीजिएगा तो आप लोग फ्लिपकार्ट का पेज में आ जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फ्लिपकार्ट की तरफ से लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड मिल रहा है एक्सिस बैंक के साथ टाइप करके। तो ये आप लोग को फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक कार्ड मिल रहा है जो कि लाइफ टाइम फ्री ऑफर के साथ आता है, यानी कि आप लोग कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं देना है, कोई भी आप लोगों को एनुअल फीस नहीं देना है। और नीचे में आएगा तो आप लोग देखिएगा कि यदि आप लोग सैलरीड इंप्लॉई हैं तो आप लोग को मिनिमम 15,000 रुपीज़ का मंथली इनकम होना चाहिए। यदि आप लोग सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आप लोग मिनिमम 30,000 रुपीज़ का मंथली इनकम होना चाहिए और एनुअल इनकम 3.5 लाख का होना चाहिए। तो आप लोगों का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर आदि ये कंडीशन के साथ मैच करता है तो आप लोग इसको लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आप लोगों को यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग पर्सनल डिटेल्स, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब फिलअप कर लेना है, एड्रेस वगैरह फिलअप करना है, उसके बाद आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों के घर में एजेंट आएंगे जो कि आप लोगों को वेरीफाई करके जाएंगे और उसके बाद आप लोग के लिए क्रेडिट कार्ड अप्लाई हो जाएगा। जैसे आप लोग सारा कुछ वेरीफाई हो जाता है तो आप लोगों को एक क्रेडिट कार्ड मिल जाएगा फ्लिपकार्ट की तरफ से। फ्लिपकार्ट के साथ जो क्रेडिट कार्ड मिलता है उसमें आप लोगों को ऑलवेज 5% का कैशबैक मिलता है फ्लिपकार्ट में और आप लोगों को मिंत्रा में, तो वो फैसिलिटी तो मिलेगा ही। प्लस आप लोग सेल के टाइम में भी यूज़ कर सकते हैं, आप लोगों को 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा 1,500 रुपये का, तो आप लोग इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मैं आप लोगों को डेबिट कार्ड अप्लाई करने का भी प्रोसेस बता दिया हूँ, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने का भी प्रोसेस बता दिया हूँ। यदि आप लोग डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो आप लोग 590 रुपीज़ चार्जेस पेमेंट करना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों को डेबिट कार्ड मिल जाएगा 100% सियोर है, क्योंकि आप लोग सेविंग अकाउंट खोलते हैं तो आराम से खुल ही जाएगा और उसके बाद आप लोगों को डेबिट कार्ड मिल जाएगा। लेकिन आप लोग क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आप लोग कोई भी एनुअल फीस नहीं है, कोई भी ज्वाइनिंग फीस नहीं है, लेकिन आप लोगों को ये डिपेंड करता है कि आप लोगों को फाइनेंशियल स्ट्रक्चर कैसा है, आप लोगों का सिविल स्कोर कैसा है, उस पर डिपेंड करता है कि आप लोगों को क्रेडिट कार्ड अप्रूव होगा या नहीं होगा। हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आप लोगों को एनुअल फीस भी नहीं लग रहा है, ज्वाइनिंग फीस भी नहीं लग रहा है। तो आप लोग डेबिट कार्ड चाहिए तो डेबिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड चाहिए तो क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लिंक मैं दे दिया हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डे सेल का जो भी ऑफर सब आएगा वो सबको एंजॉय कर सकते हैं। ऑफर सबको एंजॉय करने के लिए आप लोगों को टेलीग्राम ब्रॉडकास्ट ज्वाइन कर लेना है, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में।
उम्मीद करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग सा वीडियो पसंद आया हो। पसंद आया तो अपना लाइक कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अपना कोई भी डाउट होगा तो अपना कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, साथ में बेल आइकन दबा के ऑल भी कर दीजिए, साउंड इफेक्ट मिल जाए जिससे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। बब्बा टाटा मिलती है फिर शोरूम में कुछ नया ऑफर एंड अनबॉक्सिंग लेके। तब तक के लिए याद रखिएगा, देख रिव्यू बिफोर यू बाय। तब तक के लिए गुड बाय।